नमस्कार दोस्तों, वायरलेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल नंबर 1। इसके अंदर मैं आपको वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर एनटीपीसी और एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इन 25 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं और अपनी तैयारी को चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उतना कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताना, और यदि आप लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि इन क्वेश्चनों को बोर्ड पे सॉल्व कराया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, जिससे हम आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे कराएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रवाड़ा की राजधानी क्या है? लिबेविल है, किंगाली है, कोपेहेगन है या फिर बोगाटा है? कौन सा सही जवाब है? जिसको भी लगता है ऑप्शन नंबर 2 किंगाली है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो पापुआ न्यू गिनी या फिर फिलीपींस या फिर जापान इंडोनेशिया? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, इंडोनेशिया। आपको अपने जवाब सोचने हैं दिमाग में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, रीज़न साफ़ है, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। इसलिए काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, कैंटर या फिर सिडर शंकु? तो ऑप्शन नंबर 3 कैंटर बिल्कुल सही जवाब है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम कैंटर के नाम से जानते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं? इंडोग्राफी, पेंटाग्राफ, ऑग्रोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ? ऑप्शन नंबर 4 सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है आज का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? विदर, इन सेंटर, अधिकेंद्र या फिर अर्थो सेंटर? ऑप्शन नंबर 3 जिन्हें लगता है अधिकेंद्र बिल्कुल सही जवाब है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नापे किसका एक प्रकार है? नापे किसका एक प्रकार है? नदी लक्षणों का, वलित संरचना, अपरदन मैदान या फिर डेल्टा प्रदेश? तो नापे वलित संरचना का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। पेशावर किसके निकट है? आपको ये बताना है जो पेशावर है वो किसके निकट है? काराकोरम दर्रा के, जोजिला दर्रा, नामीगाला दर्रा या फिर खैबर? ऑप्शन नंबर 4 खैबर दर्रा बिल्कुल सही जवाब है, पेशावर निकट है खैबर दर्रा के। अगला क्वेश्चन आपके लिए, संसार का सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है इसका, संसार का सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप या फिर चंद्रमा का आकर्षण? तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्हें भी लगता है समुद्री सतह पर भूकंप सही जवाब हो सकता है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, भूकंप का कारण होता है भूपरिक्रमण, भूघूर्णन, टेकोटिजनिज्म और अनाज छादन? क्या होता है सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर 3 टेकोटिज्म बिल्कुल सही जवाब, भूकंप का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विषम पद चुनना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया, ये लीजिए विषम पद चुनिए, सुनामी, भूकंप, पवन चक्की या फिर चक्रवात? तो ऑप्शन नंबर 3 पवन चक्की बिल्कुल सही जवाब है इसका, विषम पद है ने पवन चक्की। क्वेश्चन को आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ये लीजिए इसमें भी आपको विषम पद चुनना है, बताइए असिताश्म है, रूबी, पन्ना, नीलम क्या है? ये तीनों एक रत्न है और ऑप्शन नंबर 1 ये अलग है आपके लिए, इसमें विषम है असिताश्म, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। नेक्स्ट आपके लिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया, न्यूजीलैंड? हवाई द्वीप पर ज्वालामुखियों की सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है, इसका सही जवाब है हवाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून, लवण जल की झील, ज्वालामुखी झील या फिर कास्ट झील? तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी झील बनती है ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए, सुनामी तरंग किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र के नीचे भूकंप से, चंद्रमा के अभिकर्षण से, समुद्र में ज्वार से या फिर चक्रवात से? तो ऑप्शन नंबर 1 समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती हैं सुनामी तरंगे, जो कि रीज़न है सुनामी तरंगों के उत्पन्न होने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भूमि कारक को अन्य रूप से जाना जाता है, जीव्य कारक, भू आकृति कारक, ज्वालामुखी कारक, मृदीय कारक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मृदीय कारक है इस क्वेश्चन का सही जवाब। भूमि कारक को आप जानते हैं मृदीय कारक के रूप में। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंध रखती है या किस फसल को सबसे अच्छा उगाया जाता है काली मिट्टी में, कपास, ईख, चाय, कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर एक कपास बिल्कुल सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर ए है जो एक बिल्कुल सही है, काली मिट्टी का संबंध कपास से है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, वायरलेस अकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है एजुकेशन के फील्ड में। हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को अच्छा लगता है देन आप लोग शेयर करें जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाने की हमारी इच्छा है। आपके सपोर्ट के बिना वो संभव नहीं है। आपको क्लासेस जो भी अच्छी लगती है आप लोग शेयर करें। NTPC का बैच प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है वायरलेस अकेडमी पे, और जल्द ही एक बैच और अनाउंस किया जाएगा, जल्द ही आपको बताया जाएगा। आपके सपोर्ट के तौर पे आप शेयर करें, नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जो पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुँचाएँ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं, पेडोकल, पेडलफर, पर्ल सॉल या फिर लैटराइट। तो ऑप्शन नंबर एक पेडोकोल, जो कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है इस मृदा में, एक टाइप है। नेक्स्ट आपके लिए, लाल मृदा का लाल रंग किसके अलोपन के कारण होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लोहा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब है इसका, लोहा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अधिकांश भूपट्टी किस शैल से बनती है, आग्नेय, कायंत्रित, अवसादी या फिर कार्बोनेट्स। तो ऑप्शन नंबर एक आग्नेय बिल्कुल सही है, अधिकांश जो भूपट्टी होती हैं वो आग्नेय चट्टान आग्नेय कारण बनती हैं। निम्नलिखित में से एक वित्तलीय आग्नेय शैल का उदाहरण बताइए, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर डोमोलाइट, क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट बिल्कुल सही जवाब है इसका, वित्तलीय आग्नेय शैल हैं वो ग्रेनाइट का एक उदाहरण है। 25 क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित शैल है, नीच, वेमेफिक, नीच और स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है, नीच और स्विफ्ट ही है आपका कायंत्रित शैल का एक उदाहरण है। जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ये है, मोरेन कहाँ बनते हैं, नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हिमानी क्षेत्र बिल्कुल सही है, मोरेन बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। इम्पोर्टेंट बात, सुबह 7 बजे करंट अवेयर स्नैस के MCQ और शाम को 4 बजे करंट की जो बिल्कुल करंट के जो टॉपिक्स हैं, और शाम को 8 बजे करंट की 3 क्लासें लाई जा रही हैं अलग अलग तरीके से। तो उम्मीद करूंगा आप उन्हें देखेंगे, और 3 बजे साइंस और सुबह 7 बजे मैथ ही क्लास लाई जाती है। उम्मीद है आप लोग उन्हें देखेंगे, अच्छी लगेगी। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे कल किसी नए 25 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।